आग का गोला बनकर मैदान में उतरे थे ट्रेवी सेड और अभिषेक शर्मा, पलट दिया आईपीएल का पूरा इतिहास, लंबे लंबे छक्कों से कांप गया पूरा हैदराबाद शहर। दर्शक नाच रहे थे, गेंदबाज कांप रहे थे, अंपायरों का हाथ उठा उठा कर हो गया था बुरा हाल, हेड और अभिषेक ने क्रिकेट को बना दिया वीडियो गेम। लखनऊ को मिल गया आईपीएल इतिहास का सबसे शर्मनाक हार, मैदान में ही रोने लगे थे केएल राहुल, ट्रेवी सेड को उछल उछल कर फ्लाइंग किस दे रही थी काव्या मारन। जिस पिच पर लखनऊ के बल्लेबाजों ने टेस्ट मैच खेला था, जिस पिच को केएल राहुल ने आईपीएल 2024 का सबसे स्लो पिच बताया था, उसी पिच पर काव्या मारन के दो शेरों ने क्रिकेट को वीडियो गेम बना दिया था। जो एलएसजी की टीम अपने गेंदबाजी आक्रमण पर घमंड किया करती थी, उन्हीं गेंदबाजों को ट्रेवी सेड और अभिषेक शर्मा ने मिलकर मार मार कर आलू बैगन का भरता बना दिया था। इस समय क्रिकेट का आदि मानव कहा जाने वाला और गेंदबाजों की दर्दनाक तरीके से पिटाई करने वाला ट्रेवी सेड तो आज T20 को T10 बना दिया था। ट्रेवी सेड आज एक रन लेना ही भूल गए थे, सिर्फ छक्के चौकों से डीलिंग कर रहे थे। एलएसजी का हर एक गेंदबाज ट्रेवी सेड और अभिषेक शर्मा के तूफानी बल्लेबाजी के सामने रहम की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा था। दोस्तों, एलएसजी का कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों पर लगाम नहीं लगा पाता है और पावर प्ले के अंदर ही ट्रेवी सेड और अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने 107 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। अपने गेंदबाजों की दर्दनाक तरीके से पिटाई देखने के बाद केएल राहुल मैदान पर ही रोने पर मजबूर हो गए थे। दोस्तों, इस मैच में शर्मा जी के बेटे अभिषेक शर्मा और बड़ी मूछ वाले खिलाड़ी ट्रेवी सेड एक अलग ही अंदाज में बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। यह दोनों बल्लेबाज ऐसा लग रहा था कि 165 रनों के स्कोर का पीछा नहीं कर रहे हैं बल्कि 265 रनों के स्कोर का पीछा कर रहे हैं और लखनऊ द्वारा दिए गए 165 रनों के पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के इन दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर के अंदर ही मैच को खत्म कर देते हैं। दोस्तों, एक तरफ ट्रेवी सेड मैदान पर लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे, एक तरफ ट्रेवी सेड लखनऊ के सभी गेंदबाजों की दर्दनाक पिटाई कर रहे थे, तो वहीं पर दूसरी तरफ डगआउट में बैठी सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ट्रेवी सेड के हर एक लंबे लंबे छक्के पर पूरे स्टेडियम पर बैठे दर्शकों को फ्लाइंग किस देती हुई नजर आ रही थी। दोस्तों, इस मैच में ट्रेवी सेड ने पहले तो सिर्फ 16 गेंदों का सामना करते हुए काफी तेज पचासा जड़ देते हैं, तो वहीं पर ट्रेवी सेड के छोटे भाई अभिषेक शर्मा ने भी सिर्फ 19 गेंदों का सामना करते हुए पचासा जड़ देते हैं। इस मैच में अभिषेक शर्मा नॉट आउट रहते हुए सिर्फ 28 गेंदों का सामना करते हुए 75 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं। इस दौरान शर्मा जी के बेटे के बल्ले से 6 लंबे लंबे छक्के तो वहीं पर 8 शानदार चौके भी देखने को मिलते हैं, तो दूसरी तरफ मूछ वाले खिलाड़ी ने भी इस मैच में सिर्फ 30 गेंदों का सामना करते हुए 89 रनों की तूफानी पारी खेल डालते हैं। इस दौरान ट्रेवी सेड के बल्ले से 8 लंबे लंबे छक्के तो वहीं पर 8 चौके भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आज के इस मैच में अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करती तो पक्का 350 का स्कोर खड़ा कर देती। आईपीएल के इतिहास में लखनऊ की यह सबसे शर्मनाक हार है। दोस्तों, शर्मनाक हार मिलने के बाद एलएसजी के कप्तान केएल राहुल ने तो इंटरव्यू के दौरान यहां तक बोल दिया था कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उनके सामने कोई रियल क्रिकेट का गेम चल रहा है या फिर कोई वीडियो गेम चल रहा है। जिस अंदाज में आज ट्रेवी सेड और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे, देखने से तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई वीडियो गेम चल रहा हो, क्योंकि यह दोनों बल्लेबाज एक दो रन नहीं ले रहे थे, सिर्फ छक्के चौकों से ही डीलिंग कर रहे थे। लखनऊ के गेंदबाजों को यह मैच काफ़ी जल्दी भूलने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि लखनऊ की टीम अब प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर होने के कगार पर आ गई है। खैर दोस्तों, आप लोगों को ट्रेवी सेड और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी कैसी लगी? अगर आप लोगों को भी ट्रेवी सेड और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।